फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और स्वेटिंग की प्रॉब्लम, जी हाँ, पसीना सभी को होता है। पसीना होना ये कोई बीमारी नहीं है, पर अगर पसीने में बदबू आती है तो बहुत ही एक एम्बैरेसिंग और घृणा वाली फीलिंग हम सभी को आने लगती है। तो आज चर्चा करने वाले हैं ऑफेंसिव स्वेट की, जी हाँ, पसीने में बदबू आना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें कि नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों, पसीना क्यों होता है, स्वेटिंग क्यों होती है। यह जानकारी बहुत सारे लोगों को पहले से होगी, पर फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जब भी हम कभी गर्म एटमोसफेयर या धूप में निकलते हैं दोस्तों, तो नेचुरली हमारी बॉडी सतह से एक फ्लूइड या पानी निकलना शुरू हो जाता है। इसी को हम स्वेट बोलते हैं। और इसका कारण क्या है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए नेचुरली ये सिक्रीशन होता है। जी, हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से हमारी बॉडी का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में मेंटेन रह पाए, साम्यवस्था बनी रह पाए, हमें ज़्यादा गर्मी ना लगे, इसीलिए नेचुरली हमें स्वेटिंग शुरू हो जाती है। हमारी पूरी बॉडी में लगभग 3 मिलियन के आसपास, जी हाँ, ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती है। दोस्तों, पसीना होना ये कोई बीमारी नहीं है, पर हाँ, पसीने का ज़्यादा मात्रा में होना और पसीने का कम मात्रा में होना, ये दोनों ही चिंता का विषय है। दूसरी बात दोस्तों, स्वेटिंग में थोड़ी बहुत स्मेल सबके रहती है, पर बहुत ज़्यादा स्मेल आना, ऑफेंसिवनेस होना, यह एक चिंता का विषय है जो कि हमें सोसाइटी में स्टैंड करने से रोकता है। थोड़ी सी सभी को शर्म सी महसूस होती है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि पसीने में बदबू क्यों आती है और इसके लिए होम्योपैथी में कौन सी बेस्ट मेडिसिन्स हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे शरीर में दो तरह की पसीने की ग्रंथियां पाई जाती हैं, स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ईक्राइन और एपोक्राइन। ईक्राइन से बहुत ही कम मात्रा में स्वेट का फॉर्मेशन, पसीने का फॉर्मेशन होता है। अधिक मात्रा में एपोक्राइन ग्लैंड जो है वहीं से पसीना निकलता है, और ये एपोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है, पसीना जो होता है, उसमें ही हमारे शरीर के कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर आते हैं। जी हाँ, जैसे फैट लेडन, चर्बी युक्त मॉलिक्यूल जो होते हैं, फैट लेडन मॉलिक्यूल, या फिर कई तरह के सॉल्ट हो गए, वो भी हमारे पसीने के साथ बाहर आते हैं। और जब ये पसीना बाहर आता है तो एटमोसफेयर से मिल के रिएक्शन करता है, और कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, बैक्टीरिया वगैरह, इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और हमारी स्वेट से बदबू आना चालू हो जाती है। दोस्तों, थोड़ी मात्रा में स्मेल आना, अडर आना सभी के स्वेट में होता है, सभी के पसीने से थोड़ी स्मेल आती है, पर अगर यह बदबू बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमें इसके लिए ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं होम्योपैथी में कौन सी सी बेस्ट मेडिसिन हैं जो कि स्वेट ऑफेंसिव होने पर दी जा सकती हैं। तो दोस्तों, हर बार की तरह यहाँ पर मैं कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन बता रहा हूँ, अलग अलग प्रकार के लिए पसीने के लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन देनी है, लक्षण को समझ के आप दवा दें, मरीज को ज़रूर फायदा मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है एसिड नाइट्रिक 30 पावर में। इसे आपको दिन में सिर्फ एक बार लगभग 4 दिन सेवन करना है। ऐसे पेशेंट जिनके पसीने से बहुत ही गंदी ऑफेंसिव स्मेल आती है, जैसे प्यूट्रिड, कोई चीज़ सड़ गई हो ऐसी बदबू आ रही है, और इनके कपड़ों में हल्का सा पीले रंग का दाग भी हो जाता है, तो एसिड नाइट्रिक आपको कुछ ही दिन के सेवन के पश्चात काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे देगा। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कैल्केरिया काप 30 पावर में। इसे भी आपको दिन में एक बार लगभग 4 से 5 दिन लेनी है। ये बहुत ही स्पेसिफिक पेशेंट होते हैं, इनके शरीर से खट्टी स्मेल आती है, स्पेशली जो सर का और गले का एरिया होता है। ऐसे पेशेंट देखने में आपको गोरे, फैटी, फ्लैबी और फेयर, जी हाँ, थोड़े से मोटे रहेंगे, थोड़े से थुलथुल रहेंगे, और गोरे पेशेंट, इनको अगर पसीना आता है, स्पेशली फेस के आसपास, गले के आसपास, और इस पसीने में खट्टी खट्टी स्मेल होती है, तो कैल्केरिया काब आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे देगी। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों नेट्रम फॉस 30 पावर में। इसे भी आपको दिन में एक बार लगभग 4 से 5 दिन लेना है। ऐसे पेशेंट जिनको दोस्तों एसिडिक स्मेल आती है, जी हाँ, पसीने में ऐसा लगेगा आपको अम्ल, एसिड की तरह स्मेल आ रही है, बहुत ही खट्टी और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्मेल है, अगर एक्सेसिव मात्रा में, और ऐसे पेशेंट हमेशा गैस की प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, आप नेट्रम फॉस 30 दें, इनकी गैस की भी प्रॉब्लम सही होगी और पसीने की जो दुर्गंध है दोस्तों ये भी सही हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों ग्रेफाइटिस 30 पावर में। इसे भी दिन में आपको एक बार सुबह सुबह खाली पेट लगभग 4 से 5 दिन लेनी है। ऐसे पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीना आता है और पसीने में बहुत ज़्यादा दुर्गंध है, पर जब वो रेस्ट करते हैं तो उनकी स्किन एकदम ड्राई हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये गौर देने वाली बात है, ड्राई स्किन के पेशेंट, और जब धूप में निकले, पसीना बहुत ज़्यादा हो, बदबू आने लगे, तो उनको ग्रेफाइटिस बहुत ही अच्छा सूट करती है। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों कैनाबिस 30 पावर में। ऐसे पेशेंट जिनकी
पसीने में से बदबू तो आती है, पर ये बदबू हल्के से मीठा, जी हाँ, स्वीट की जन मिठाई की जैसे स्मेल होती है वैसी स्मेल अगर आ रही है, और पसीने को छूने से हल्का स्टिकी नेचर आता है, तो कैनाबिस 30 को 4 से 5 दिन के सेवन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे देगी। दोस्तों इसी मेडिसिन से मिलती जुलती एक और मेडिसिन है कैलेडियम 30 पावर में। यहाँ पर भी जो पेशेंट है उसकी स्मेल जो होगी पसीने की स्वीट के जैसी होगी, जी हाँ मीठी स्मेल होगी, पर यहाँ पर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं पेशेंट की तरफ। अगर मक्खियाँ अट्रैक्ट हो रही हैं पसीने को सूंघ के, तो दोस्तों कैलेडियम 30 काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको दे देगी। नेक्स्ट दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनकी बॉडी से खट्टी स्मेल आती है दोस्तों, और ये खट्टी स्मेल नहाने के बाद भी, जी हाँ सावर स्मेल अगर नहाने के बाद भी नहीं ख़त्म हो रही है, तो साइलिशिया 30 पावर में दिन में सिर्फ एक बार सुबह सुबह खाली पेट लगभग 4 से 5 दिन दे, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों सल्फर 30 पावर में, इसे दिन में 2 बार लेनी है। ऐसे पेशेंट जिनकी बॉडी से और स्पेशली आर्मपिट से अगर गार्लिक जैसी, जी हाँ लहसुन जैसी स्मेल आती है, तो सल्फर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे देगी। नेक्स्ट दोस्तों लाइकोपोडियम 30 पावर में दिन में 3 बार इसका सेवन करना है, सुबह दोपहर शाम लगभग 4 से 5 दिन। ऐसे पेशेंट जिनके बॉडी से, जी हाँ प्याज जैसी, हल्की हल्की प्याज जैसी, अनियन जैसी स्मेल आती है, और जब ये पेशेंट चलना फिरना चालू करते हैं तो इनके पसीने की मात्रा बहुत कम रहती, पर जब रेस्ट करते हैं तो पसीना काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ऐसे पेशेंट को लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे देगी। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन दोस्तों मॉक्सोल 30 पावर में दिन में 1 बार लगभग 4 से 5 दिन इस दवा को ले लें। ऐसे पेशेंट जिनका स्वेट जो होता है कोल्ड और ग्रीजी होता है, जी हाँ ठंडा और ग्रीस की तरह होता है, और पसीने में काफ़ी ज़्यादा बदबू होती है, प्लस अगर पेशेंट को हाथ के तालू और पैर के तालू में हल्की सी जलन मिल जाए, तो ये मेडिसिन बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको दे देगी। लास्ट में इस वीडियो जरूर ये कहना चाहूँगा दोस्तों, गर्मी के मौसम में अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा आप क्लीन रखेंगे आपकी शरीर से दुर्गंध कम आएगी। कम से कम दिन में 2 बार नहाएं, अगर आप चाहें तो कैलेंडुला नामक मदर टिंचर 1 ढक्कन से 2 ढक्कन अपने बाथिंग टब में या बकेट में पानी में मिलाकर नहा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।